कोरोना की नई लहर के फैलाव का खतरा। बरतानिया से आने वालों के लिए सफरी पाबंदियों में 31 जनवरी तक तौसी। बरतानिया और जनूबी अफ्रीका के सिफारतकारों के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट लाजमी करार। वजीर दाखिला शेख रशीद के हजारा बरादरी से मुजाकरात नाकाम। धरने के शुरका का आस्थान है मच्छ के शोहदा की तदफीन से इनकार। वजीर आजम इमरान खान के आने तक धरना जारी रखने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं सानहे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमेटी का ऐलान करता हूं। वजीर आजम ने पैगाम दिया मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। लवाहिकीन को 25 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। वजीर आजम की तरफ से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं और आप लोगों से, आप शाती दस्ते हैं, आप लोगों से मैं तोके रखता हूं कि उनकी दरख्वास्त को आप रद्द नहीं करेंगे कि आप अपने शहादा की तदफीन फरमाएं। वजीर आला साहब की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से 15 लाख रुपया फी शहीद को खिदमत का नजराना उसकी फैमिली को, और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से 10 लाख रुपया। पूरी सख्ती से उनको पकड़ा जाएगा और पूरी सख्ती से उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। जुडिशल कमेटी का क्याम, मैं जुडिशल कमेटी आप बता दें, हाई कोर्ट से करवानी है, लोकल से करानी है, मैं आज ये मेरे इख्तियार में है, मैं जुडिशल कमेटी का इख्तियार का ऐलान। सऊदी अरब की नवाज शरीफ को पेशकश, चाहें तो बरतानिया से यहाँ आ जाएं। सऊदी हुकाम का नवाज शरीफ को पैगाम। 24 न्यूज के प्रोग्राम DNA में सीनियर सहाफी मुबशर लुकमान ने बड़ी खबर दे दी। PDM का क्या है प्लान लॉन्ग मार्च का? PDM का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है, लॉन्ग मार्च होगा इंशाल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देखने के सामने रखा गया। और जो इस्तीफों का फैसला हुआ था 31 सितंबर तक, हुकूमत नहीं गई अभी तक। इमरान खान के वापस जाने का मुतालबा था कि 31 तारीख तक अगर इमरान खान इस्तीफा नहीं देता तो आगे आता, वो अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 31 जनवरी जब आएगी उस, और हम देखेंगे कि वो अगर इज्जत से जाने पे राजी नहीं तो फिर इंशाल्लाह आवाम को और PDM का लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। मरियम नवाज पुराजी कहती हैं लॉन्ग मार्च का ऐलान लोगों की सहूलत देखकर करेंगे। इमरान इज्जत से ना गए तो आवाम के साथ मिलकर घर भेजेंगे। हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं PDM फारिग हो चुकी, अपनी मौत आप मर रही है। अपोजिशन की तहरीक NRO के लिए है जो नहीं दूंगा। वजीर आजम की पार्टी तर्जुमानों को अपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। मोहम्मद अली दुरानी का नेशनल डायलॉग कमीशन रहनुमा फंक्शनल लीग की चौधरी निसार से भी मुलाकात। नेशनल डायलॉग अपोजिशन तहरीक पर भी तबादला ख्याल। इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगी। असल बात ये है, इसी में सारा कुछ होना है। अभी तक कोई ऐसा ना फैसला है, ना किसी ने कहा है। खुद भी किसी लेवल पे बात होगी तो वो खुद ही करेंगे, बाकी सतह पे वो खुद बेहतर बात कर लेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का पहली मर्तबा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने का दावा। कहते हैं अपोजिशन से जो भी मुजाकरात होंगे हुकूमत की सतह पर होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर परवेज इलाही की मुलाकात। इत्तेहाद के मामलात मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। सलीम मांडवीवाला सेनेट इजलास में नैब पर बरस पड़े, कहा नैब का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। मुल्क को चलाना है तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन को नैब से निकालना होगा, इस इदारे को अब लगाम डालना होगी। सियासत नहीं कर रहा, मसले को संजीदगी से लिया जाए। एवनफील्ड फ्लैट्स को ब्रॉडशीट केस से मुंसलिक करने की दरख्वास्त मुस्तरद। एवनफील्ड फ्लैट्स को केस से मुंसलिक नहीं किया जा सकता, बरतानवी अदालत का फैसला। शरीफ फैमिली के वकला का लंदन हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हुकूमत का 18 जनवरी से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं तक क्लासेस का आगाज होगा। पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस 25 जनवरी से शुरू होंगी, जामियात 1 फरवरी से खुलेंगी। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं इम्तिहान के बगैर कोई तालिब इल्म अगली जमात में प्रमोट नहीं होगा। स्कूल मालिकान की एक तंजीम की फैसले की मुखालफत, 11 जनवरी से स्कूल खोलने का ऐलान।
कराची को तजावजात से पाक करने का मिशन, महमूद आबाद नाले पर बड़ा ऑपरेशन, हैवी मशीनरी की मदद से तजावजात को गिरा दिया गया। लाहौर हसीन रहा ना क्लीन, LWMC की नाहली से शहर कूड़ादान बन गया। तुर्क कंपनी से 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ जो रिन्यू ना किया गया। घड़ी शाह से ग्रीन टाउन, गुलबर्ग से शादमान तक कचरे के ढेर लग गए। बादलों की घन गरज ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 93वीं सालगिरह। मुल्क भर में तकरीबात मुनाकिद होंगी, घड़ी खुदाबख्श में कुरान खानी की जाएगी।